वॉट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट वन थिंग इज प्रेटी मच श्योर दैट इट मींस गेटिंग थिंग्स डन दैट मीन्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स ग्रुप गोल्स मतलब क्या हो गया द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमने क्या पढ़े थे प्रॉफिट सरवाइवल एंड ग्रोथ तो अगर एक मैनेजमेंट है जो प्रॉपर है इफेक्टिव है और इफिशियंट है दैट मीन्स वो काम कर रहा है बट काम कैसे कर रहा है विद द मिनिमम कॉस्ट सो दैट मींस इट विल हेल्प यू इन अचीविंग द ग्रुप गोल नेक्स्ट इज इंक्रीजेज एफिशियंसी एफिशियंसी मतलब हमने क्या पढ़ा था गेट थिंग्स डन विद द मिनिमम कॉस्ट तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है मैनेजमेंट को पता है कब कौन सा डिसीजन लेना है कब कौन सा स्टेप फॉलो करना है इफ दे नो द प्रॉपर सीरीज इफ दे नो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर टास्क विल इंक्रीज योर एफिशियंसी नेक्स्ट इज क्रिएट्स अ डायनामिक एन्वायरमेंट ओके एनवायरमेंट मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट ड्राइव आवर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं लेट्स से कस्टमर्स लेट्स से गवर्नमेंट तो वहीं पे इफ देर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट दैट मीन्स योर मैनेजमेंट इज केपेबल इनफ दैट इट कैन अडॉप्ट द चेंजेस वेरी इजिली तो क्या होगा इट विल क्रिएट अ डायनामिक एनवायरमेंट अब आप बोलोगे मैनेजमेंट को हम कैसे डायनामिक बना सकते हैं बना सकते हैं कैसे बनाएंगे अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपर प्लानिंग करी है अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपर फोकास्ट कर लिया कि हो सकता है फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे तो क्या होगा मैनेजमेंट कैन क्रिएट अ डायनामिक एन्वायरमेंट नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी देखो यहां पे तीन पॉइंट तो मिल गए ग्रुप गोल यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर्सनल गोल्स एंड सोशल गोल्स हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर मैनेजमेंट विल हेल्प यू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ एंड सर्वाइवल बट एट द सेम टाइम एक मैनेजमेंट को हम इफेक्टिव और एफिशिएंट कब बोलेंगे जब वो पर्सनल और सोसाइटी दोनों का ध्यान रखे दैट मींस इट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल पीपल ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द सोसाइटी दैट इज इन्वॉल्व विद यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्या करेगा इट विल हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव दैट मींस इट विल टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज इट विल टेक केयर दैट दे आर बींग पेड द एडिक्यूट सैलरी उनको पियर रिकोगशन सोशल रिकग्निशन मिल रहा है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एट द सेम टाइम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी दैट मीन्स वन इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी कैसे प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करना ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना एनवायरमेंट का ध्यान रखना तो ये सब चीजें कब पॉसिबल है जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट